एमसीबी जिले के ग्राम लरकोड़ा पटेलपारा में विषाक्त भोजन का सेवन करने से एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोगों का उपचार अस्पताल में जारी है। वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सभी ने भोजन किया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई और एक के बाद एक सभी को उल्टियां होने लगी। एमसीबी जिले के ग्राम लरकोड़ा पटेलपारा में फूड पॉइजनिंग की एक घटना सामने आई है, जिसमें एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई, वहीं चार लोगों की हालत खराब है, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि पटेलपारा निवासी भैयालाल सिंगोड़ के यहाँ बरहो का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ सभी ने भोजन किया। कुछ देर के बाद सभी की सेहत बिगड़ने लगी और वे उल्टियाँ करने लगे। भैयालाल की बिगड़ती सेहत को देखते हुए पहले स्थानीय अस्पताल, फिर एमपी के शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। इसी तरह उसके पुत्र तिलक राज का भी अंत हो गया। ऑटोमेटिक बीमारी पकड़ लिया है, बस हो गए, उल्टी दस्त शुरू होता है, पता नहीं हाथ का हाथ पांव सिकुड़ने लगते हैं और बस हो गए, जानलेवा बीमारी पकड़ लिया है, मर जाते हैं उसमें आदमी। दो आदमी मेरे जीजा और भांचा ख़त्म हो गए। जब तक कंडीशन ठीक नहीं होने लगा, जबलपुर के लिए रिफर किया गया। लास्ट में हम लोग रिफर करने के बाद गए कटनी, 10 किलोमीटर बचा, तभी मेरे भाई छोटा वाला भाई डेथ कर गया। दो मरीज आए थे 2-3 दिन पहले और उनका हालत काफ़ी सीरियस था। यहाँ उपचार होने, प्राथमिक उपचार देने के बाद हम शेड्यूल भेजा गया उनको और उनका शेड्यूल में मृत्यु हो गया। और फिलहाल में अभी 4 मरीज भर्ती है लड़कोड़ा से, जिनमें से एक का हालत थोड़ी गंभीर है, 3 जन अभी ठीक है। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पटेलपारा पहुंची और कैंप लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करने में जुट गई। वहीं उल्टी कर रहे चार लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।